नमस्कार। गणपति बप्पा मोरिया, पुरचा वर्षी लौकरिया। अभी गणपति उत्सव बीता है। गजमुख को हम बहुत प्रेम से घर लाते हैं, सुसज्जित करते हैं, पंडालों में बिठाते हैं और बहुत मान सम्मान के साथ उनको विदा भी करते हैं। लेकिन गज यानी कि हाथी को आज भी हम कैद में रखते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं। महात्मा गांधी जी, जिनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर है यानी कि परसों, उन्होंने कहा है कि किसी भी देश की महानता और उसकी नैतिक उन्नति का अंदाजा हम वहां के जानवरों के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते हैं। अब महानता की बात छोड़ दीजिए, नैतिक उन्नति पर आइए। जिस देश में आए दिन कुत्तों के साथ बलात्कार की खबरें आती रहती हैं, वहां की नैतिक उन्नति के बारे में हम क्या कहेंगे? जहां खुलेआम जानवरों की तस्करी की जाती है, कंटेनर्स में ठूस ठूस के उनको विदेश भेजा जाता है, उसकी नैतिक उन्नति के बारे में क्या कहें? हाँ, बहुत बड़ा बिजनेस है ये, बहुत पैसे आते हैं इससे, पर नैतिकता कहाँ गई? हम लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, देव स्थलों में जाते हैं माथा टेकने के लिए, प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी हमारे सारे कष्ट हर लीजिए, हमारे जानने वालों के कष्ट हर लीजिए। लेकिन वो जानवर जिसके पीठ पर चढ़ाई करके आप उस देव स्थल तक पहुंचे हैं, उसके कष्ट के बारे में कभी विचार आया? उनको पालने वाले उनको कितना कष्ट देते हैं, इसके बारे में कभी विचार किया आपने? नहीं? क्या ये जरूरी नहीं है? इन्हीं सब विषयों पर 1 अक्टूबर यानी कि रविवार को जंतर मंतर दिल्ली पर एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। आइए और जीने भी दो यारों पर चर्चा कीजिए। जी हाँ, जीने भी दो यारों, क्योंकि हम इंसान भी तो जानवर ही हैं, तो हम यार ही हुए ना बाकी जानवरों के, फिर चाहे वो गधा हो, घोड़ा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो। जीने भी दो यारों, 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच जंतर मंतर दिल्ली रविवार यानी कि कल पहुंच जाइए और खुल के मन की बात कहिए इन जानवरों के बारे में, क्योंकि हमारा देश आज भी इस जानवरों को उत्पीड़ित करने वालों पर केवल 50 रुपए का दंड लगाता है, जिस पर हमें हंसी तो आती है, हंसी से ज्यादा हमें शर्म आती है। शायद हमारी इन चर्चाओं से, हमारी इन रैलियों से हमारे देश को जो गुणीजन चलाते हैं उनके मनस्थल पर कुछ असर पड़े, तो पहुंच जाइए 2 से 5 के बीच जंतर मंतर दिल्ली कल 1 अक्टूबर को। धन्यवाद।